कोई भी अगर उनके पास में मेहमान आता था, मिलने के लिए आता था, या उनका कभी मन होता था तो वो यहाँ पे आकर आराम करते थे। परसों और हमने छोले कुलचे ट्राई करे थे पर वो हमको ज़्यादा अच्छे लगे, पर ये बहुत अच्छे हैं, मस्त। हाँ भाई साहब, तो आगे राजा जी की सवारी जा रही है हाथी पे और पीछे ढोल ताजा लेके लोग जा रहे हैं सुंदर सुंदर। और हम अभी आ चुके हैं जयपुर के वेरी फेमस जल महल में। जल महल, क्योंकि जल के अंदर महल है। जल के अंदर महल है, वाह वाह वाह, क्या ज्ञान की बात आज चेरी ने हमारे साथ में शेयर की है। बिल्कुल सही बोला है। आप जो देख रहे हो चारों तरफ भैया जल है, यानी कि पानी है, और उसके बीच में एक महल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसलिए इसको जल महल बोला जाता है। और आपको अंदर लेके दिखाते हैं अंदर, एज इन वहां तक जाने का किसी को अलाउ नहीं है, यहीं बॉर्डर से देख के आपको फिर इसके बारे में और बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो जल महल के सामने अभी हम चटपटे तीखे मस्त स्वादिष्ट छोले कुलचे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत भूख लग रही थी हमको दोस्तों, और हमने छोले कुलचे ट्राई करे थे पर वो हमको ज़्यादा अच्छे लगे, पर ये बहुत अच्छे हैं, मस्त। दिल्ली की याद ताज़ा हो गई, मस्त छोले कुलचे। बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हर स्ट्रीट पे छोले कुलचे का ठेला मिल जाता है। ओके, सो जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं ये है जल महल जयपुर का, और अगेन राजा जयसिंह जो यहाँ के थे उन्होंने इसको बनवाया था। बनवाया क्यों था? ये उनका आरामगाह था। कोई भी अगर उनके पास में मेहमान आता था, मिलने के लिए आता था, या उनका कभी मन होता था तो वो यहाँ पे आकर आराम करते थे। नृत्य वगैरह उस टाइम पे चलता था, वो देखते थे। इसके बारे में और थोड़ा सा अगर हम आगे आते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उससे फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हुए, लेकिन नुकसान भी कुछ हुए। फैक्ट्रीज़ का जो कचरा है वो यहाँ पे इस जो तालाब में डाला जाने लगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, बदबू आने लगी। 1968 के आसपास एक मुहिम चलाई गई, जिस मुहिम में इस तालाब को साफ़ किया गया, और उसके बाद में यहाँ पे जो है जनरल पब्लिक का जाना बंद कर दिया गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्की सी जो स्मेल है वो अभी भी आती है, क्योंकि तो कचरा कुछ साथ इकट्ठा वो नालों वाला अभी भी होगा, हो सकता है। और इसका सफाई का काम अभी भी चल रहा है दोस्तों, और हमने कहीं से सुना है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में इसको खोल दिया जाए, क्योंकि अंदर से काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी तो नहीं खुला हुआ है। तो बाहर से ही हम आपको इसके जो है दृश्य दिखा रहे हैं। ओके भाई साहब, सो हम घूम रहे हैं जल महल में, और इसके सामने जो उत्पाद जैसा एक मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड है। सैटरडे और संडे के लिए हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला तरीके का भरने लगा है आफ्टर नवंबर, तो आप अगर उसको एंजॉय करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आज संडे नहीं है, तो इस तरीके का मार्केट जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको जैसे होम डेकोर का आइटम है, जूते वगैरह, कपड़े वगैरह भी होंगे तो वो मिल भी जाएंगे। दीदी बाइक कितने का है? ये 350 का। ये देखो भाई साहब, शानदार बाइक है, और ये हमने चौकी दाढ़ी इंदौर में देखा था, उसका प्राइस अलग था, हमने अभी नहीं बताएंगे, पर हाँ अभी ये आपको 300 का पड़ रहा है। ये क्या लेके आ गए? हाँ। ये क्या स्टार फिश तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, फ्रूट है। तो क्या कैसा लगता है? खा के देखो, पता चल जाएगा। बाकी आग खतरनाक खट्टा है ये तो। अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत बढ़िया। पर है क्या ये, मतलब इतना खट्टा? हाँ पता नहीं यार, पर देखो दिखो ना कितना अच्छा। ये है क्या? आओ और ट्राई करते हैं। है खट्टा? बहुत खट्टा है। वेजिटेरियन तो है ना ये? मछली मछली तो नहीं काट के खिला रही? नहीं नहीं, फ्रूट है ये। अच्छा फिर ठीक है।
हम तो व्यस्त थे अंग्रेजों को देखने में, बढ़िया बढ़िया आगे सेक रहे थे। तुमने बिल्कुल एकदम हमारी नींद खोल दी है खिला के। क्या बोला तूने? ये देखो भैया मार्बल के ऊपर कौन सा पत्थर है ये भैया? मार्बल है, मार्बल। ये सब मार्बल के ऊपर कटिंग करके आर्ट यहाँ पे। मार्बल काफी ज्यादा फेमस है राजस्थान में, आपको मालूम ही होगा। ये देखो आप डिब्बियाँ बनाई गई हैं, बारीक काम, अभी भी बारीक काम काफी जगह होता है। हाथी, छोटे छोटे हाथी कछुए सब मस्त बढ़िया लग रहे हैं यार, बढ़िया लग रहे हैं। तोप रखी हुई है, तोप रखी हुई है। ये वाली अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर। भैया ये कितने की है? भैया भैया व्यस्त है, बार्गेनिंग में कोई बात नहीं। अच्छा चलो, यहाँ पे आप जैसे ही आओगे जो आपका ऑटो वाला होगा, लोकल गाइड होगा, वो आपको बोलेगा कि भैया अपने को जो है गवर्नमेंट का मार्केट लगा हुआ है वहाँ चलना है, वहाँ आपको छोड़ देंगे सस्ते प्राइसों में, गांव वालों का मार्केट है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका नाम इस तरीके से रखा जाता है कि वो आपको लगेगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऐसा करके, कि आपको लगेगा कि भैया ये ना लोकल गवर्नमेंट का मार्केट है, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ के प्राइजेस GF होते हैं, GF GDDS F DDDS। चलो आप समझ लो आप इसका मतलब। सर बहुत दर्द कर रहा है हमारा, सोचा लेमन सोडा ट्राई किया जाए। तो देखते हैं, 30 रुपये का ग्लास भैया दे रहे हैं हमको यहाँ पे बना के। रिफ्रेशिंग है काफी, है ना? बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों, सो इसी के साथ में हम यहाँ पे अपना ये जो एपिसोड है इस सीरीज का वो खत्म कर रहे हैं, और मोर एक्साइटिंग जो एपिसोड्स हैं उसको देखने के लिए जयपुर की और रंगीली रंगीली जगहों घूमने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।